हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है वो सिडबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें थोड़ी कठिन रखी गई है, लेकिन जो भी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है वो इसका ज़रूर भरना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है ना वो इंडिया में, जैसे सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, या आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये कभी भी जो है वो प्राइवेट नहीं होगी। तो इनके जो है वो जब भी एग्ज़ाम निकला करें तो ज़रूर भरा करिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें थोड़े इंजीनियरिंग, सीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, ठीक है। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। देखिए, आज जो है वो मैं बात करने वाला हूँ इसमें आप सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं, क्योंकि 40 दिन से भी कम का टाइम बचा है हमारे पास, ठीक है। तो 40 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो है वो सिलेक्शन सिडबी में हो जाए, सिडबी जैसी एक बड़ी संस्था में हो जाए। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिडबी और के लिए जो है वो एक मॉक टेस्ट जो है वो ऑलिव बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, ठीक है ना। मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, तो इस मॉक टेस्ट को जो है वो ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा और अपना जो है वो ये देखिएगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि 250 नंबर का जो है वो आपका पेपर होगा और 250 में से 170 180 जो है वो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जाएगा ही जाएगा जनरल का। देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इंग्लिश जो है वो आपकी 30 नंबर की होगी, जीएस 50 की होगी, रीजनिंग 60 की होगी और क्वांट भी 60 की होगी, यानी 200 नंबर का जो है वो आपका पेपर ही पेपर होगा, ठीक है। फिर 50 नंबर की आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि आप लोग जो है वो ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं। देखिए, जीएस अपनी स्ट्रांग कीजिए, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है ना, स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज कम है, तो इंग्लिश को जो है वो आप लोगों को थोड़ा कम टाइम देना है इस पेपर के लिए। और दूसरा, डिस्क्रिप्टिव जो है वो 50 नंबर का है, 50 में से अगर 30 से 40 भी अगर आप जो है डिस्क्रिप्टिव में ले आए तो ईजिली जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा टॉपिक होता है कि अगर आपने जो है वो बिल्कुल पेपर तो आप लोग पढ़ते ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपने जो है बहुत अच्छा ऐसे लिखा, बहुत अच्छा लेटर राइटिंग लिखा, तो ये सोच लीजिए कि 50 में से 40 जो है वो डिस्क्रिप्टिव चेक करने वाला इजीली दे देता है, ठीक है। तो मैं जो है वो लगातार इस पे जो है वो वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन जो मैंने जो है वो टेस्ट दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा आज की आज, ठीक है। क्योंकि आने वाले दिनों में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर होने वाले हैं, आरबीआई, ईएसआईसी, दूसरे भी जो है वो आपके पेपर हैं, तो इसके साथ में साथ जो है वो आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल एसबीआई पीओ की तरह जो है वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इस पेपर को ज़रूर भरिएगा, ठीक है। मैं लगातार जो है वो इसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा और लगातार आप लोगों को इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, क्योंकि इसमें कठिन होने वाला है, ठीक है ना, एसबीआई पीओ की तरह। तो मैं जो है वो आप लोगों को बता दूंगा कि किस चीज़ को जो है वो कैसे पढ़ा जाए।